बिल्कुल पसंद नहीं आई, एकदम बकवास, बोरिंग, ऐसा वेस्ट मूवी है। ऑनेस्टली काफ़ी डिसअपॉइंटेड हूँ, और जितना मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, क्योंकि मैंने फॉरेस्ट गम देखी हुई है और उस फिल्म ने मुझे काफ़ी टच किया था, और ये उसका ऑफिशियल अडेप्टेशन है, तो मैं बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन के साथ आया था। अनफॉर्चुनेटली बिल्कुल खरी नहीं उतरी है मेरे एक्सपेक्टेशन पे। डोंट से बॉयकॉट लाल सिंह चड्ढा, इट्स नॉट लाइक दैट कि आप बोल रहे हो बॉयकॉट, आपके लिए स्टार्टिंग में उन्होंने कुछ रखा है। आमिर खान जादूगर है, उनकी फिल्मों को पसंद नापसंद नहीं, वो मैजिशियन है। म्यूज़िक बहुत अच्छा है, बैकग्राउंड स्कोर जो है तनुज टिकू जी का बहुत ज़्यादा प्यारा है, और जो काफ़ी मोमेंट्स पे जो फिल्म को ऊपर उठाती है उसमें म्यूज़िक का बहुत अच्छा रोल है। अरिजीत के लिए तो इनफाइनाइट है। 5 मैं 4.5 दूंगा। आई थिंक मुझे लगता है सबको ये मूवी देखनी चाहिए। और जो बॉयकॉट लाल सिंह चड्ढा मूवी देखी है? जी देखिए। कितनी पसंद आई आपको? आमिर खान जादूगर है, उनकी फिल्मों को पसंद नापसंद नहीं, वो मैजिशियन है। वेल इस मूवी में लाइक बेबो ने भी काम किया है, आज सभी उनको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, कैसा लगा आपको? कोई और दिखता ही नहीं है, सिर्फ आमिर खान, कमाल है, दिल को छूने वाली फिल्म है, बहुत जादू है। क्या कुछ अच्छा लगा आपको मूवी में, बेस्ट पार्ट कुछ शेयर करना चाहेंगे? एक्चुअली शेयर कर दूंगा फिर मज़ा ख़त्म हो जाएगा, देखेंगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं कि बुरा देखा जाए या कुछ कमी निकाली जाए, ये एक जर्नी है, एक लाइट हार्टेड, एक बहुत अच्छी फिल्म है, बहुत मैसेज देने वाली फिल्म है, बहुत मज़ा आएगा। मूवी में अगर म्यूजिक की बात की जाए सब अच्छा है। आउट ऑफ 5 कितने स्टार्स दो? 5 5 कम है, 10 15 20 100। मैं तो फैन हूँ डाई हार्ट आमिर खान का, इसलिए मैं कुछ बुरा बोल भी नहीं सकता। आप किसी और से ट्राई करें। मैम आपने लाल सिंह चड्ढा मूवी देखी है? बिल्कुल देखी है। कितनी पसंद आई आपको? 5 out of 5। इस मूवी में बेस्ट पार्ट क्या था, कुछ शेयर करना चाहेंगे? अगर आप मुझे पार्ट के बारे में पूछ रहे हो तो एक्चुअली इस पूरी मूवी का एक सीन, एक शॉट और एक भी डायलॉग वेस्ट नहीं था। पूरी मूवी बेस्ड है, नॉट ऑफ पार्ट, पूरी मूवी। म्यूजिक कितनी पसंद है? ये एक्चुअली एक ना आम आदमी की खास कहानी है, बिल्कुल स्लो मोशन में, बहुत ही स्लो म्यूजिक है, बहुत ही स्लो स्टोरी है, लेकिन माइंड ब्लोइंग। और जैसे आमिर खान जाने जाते हैं मिस्टर परफेक्शनिस्ट, तो डेफिनेटली वो अपने हर परफॉर्मेंस से प्रूफ करते हैं कि यस ही इज मिस्टर परफेक्ट। आउट ऑफ 5 कितने स्टार्स देना चाहोगे? सॉरी, आउट ऑफ 5 कितने स्टार्स? 5। थैंक यू। और एक चीज़ ज़रूर बोलूँगी कि मैं सबसे बोलूँगी कि ये मूवी बहुत बहुत सुपर डुपर हिट है और आप सबको देखना चाहिए, वरना आप अपनी ज़िंदगी का बहुत ही बेस्ट पार्ट मिस करोगे। इस मूवी को देखें, ज़रूर देखें। थैंक यू। बिग आमिर फैन फर्स्ट रिव्यू। लाल सिंह चड्ढा मूवी देखिए, आपको कितनी पसंद आई है? बहुत, लाइक 10 into 9 बेस्ट था। आई वुड रेट 10 on 10, इट वाज सुपर्ब। मतलब खत्म क्यों? और भी काफी कैरेक्टर्स थे, जस्ट लाइक शाहरुख खान अनएक्सपेक्टेड था, हां बेस्ट था, सबसे बेस्ट शाहरुख खान का पार्ट था। करीना की एक्टिंग और क्रिएटिविटी बेस्ट था, आल्सो एडिटिंग वो भी सुपर्ब था, बट मोस्ट ऑफ ऑल आमिरस एक्टिंग, यस वो अनएक्सपेक्टेड था, इवन आमिर बहुत ही प्रीशियस था वो मोमेंट, लाइक बहुत ही बेस्ट लगा। व्हाई पीपल शुड वॉच दिस मूवी? आई गेस फॉर हिज एक्टिंग, यस it was obviously top notch, aur jo chemistry thi such a emotional and it was a roller coaster music, very nice. ki agar baat ki jaye to all of the music, wow. all of the songs are superb. Just ये तो पहले हिट जा रहे सॉन्ग्स तो सुने होंगे यूट्यूब पे, और अरिजीत और जा अरिजीत और वो मूवी सॉरी वो सॉन्ग प्रॉपर नहीं हो, मीन्स वो सॉन्ग का हिट होना बनता ही है बिकॉज वो अरिजीत का सॉन्ग था। और जो भाई कितने स्टार्स दोगे? फुल अरिजीत के लिए तो लाइक फॉर आमिर एक्टिंग आई वुड रेट 5 stars, अरिजीत के लिए तो इनफाइनाइट। थैंक यू। कैसी लगी लाल सिंह चड्ढा? आपको लाल सिंह चड्ढा मूवी कैसी लगी? आउट ऑफ द वर्ल्ड। What was the best part in this movie? I mean, the movie is not a movie, it's a journey. I mean, I haven't seen such a movie. Ek guide dekhi thi, which was a masterpiece. Aur uske baad ye movie hai, jo insaan ko badal degi ye movie. Is movie mein aur bhi kaafi kirdaar hai, jaise ki Naga Chaitanya aur saath mein... All have acted so well. Kareena, Naga Chaitanya, Mona Singh, everyone. Music is excellent. I mean everything, and Aamir's performance is out of the world. I can say his best acting till date. Songs ki baat ki jaye
Too good. After so many years, it's a complete album. Sonu Nigam, Arijit Singh, and Arijit ke teen gaane hai. Sonu Nigam, ek bata sakte hai ki unka second inning, jaise matlab kafi saalon ke baad aaye hai. So it's a complete album, aisa masterpiece hai. Matlab album bhi dekha jaye to, kafi saalon ke baad aisa album aaya hai jahan pe ek saath teen teen Arijit Singh ke song hai aur ek Sonu Nigam song hai. So Sone Pe Suhaga. Out of 5 kitne stars do? ये मूवी को मेरी एक रिक्वेस्ट है, आप प्लीज़ आप स्टार मत दीजिए, ये अनमोल है, इनको 5 में से 5 दोगे तो भी तो ही नहीं है मूवी की. बस ये एक्सपीरियंस कीजिए और इसमें इतने अच्छे अच्छे सीन्स हैं कि अभी भी सिंक होना, अभी मैं बहुत बार देखूंगा तभी जाके मतलब जा नहीं रहा है दिमाग में से. इतने अच्छे अच्छे सीन्स लिए हैं और क्या परफॉर्मेंस किया है एंड ब्यूटीफुल अद्वैत चंदन ने जो डायरेक्शन किया है, टू गुड मास्टरपीस. थैंक यू. लाल सिंह चड्ढा, आपने मूवी देखी, आपको कितनी पसंद आई? लाल सिंह चड्ढा बहुत अच्छी है, सुपर डुपर हिट. आमिर खान का और बाकी लोगों का आपका काम कितना? आमिर खान का करेक्टर बहुत इनोसेंट है, बहुत ही एक मासूम करेक्टर है, मतलब आप देखेंगे तो लगेगा कि बिल्कुल एकदम भोला भाला करेक्टर है, बहुत अच्छा है. साथ ही साथ इसमें करीना कपूर और भी किरदार थे, सभी का काम आपको कितना पसंद आया? करीना कपूर का तो रोल है ठीक है, मतलब इतना अच्छा, मतलब रोल तो है, लीड करेक्टर है, बट आमिर खान की जो माँ का करेक्टर है मोना सिंह का, वो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी एक्टिंग करी उन्होंने. म्यूजिक की अगर बात करें, म्यूजिक बहुत अच्छा है, गाने जो हैं स्टोरी के साथ हैं और स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं, कोई गाना ऐसा नहीं लगेगा कि बीच में आएगा, तो गाने जो हैं वो भी बहुत अच्छे हैं और स्टोरी से रिलेट करते हैं, बहुत अच्छा है. आउट ऑफ 5 आप कितने स्टार्स दे? 5 में से 5, सुपर डुपर हिट है मूवी तो. थैंक यू. द मूवी छड्डा, आपने पिक्चर देखी, आपको कितना पसंद आया? टोटली मास्टरपीस, कुछ नया आया है. एंड प्लीज़ सपोर्ट दिस टाइम बॉलीवुड एंड प्लीज़ सपोर्ट फर्स्ट ऑफ ऑल आमिर खान. प्लीज़ डोंट से बॉयकॉट लाल सिंह चड्ढा, इट्स नॉट लाइक दैट कि आप बोल रहे हो बॉयकॉट. आपके लिए स्टार्टिंग में उन्होंने कुछ रखा है, उसके बाद डायलॉग्स आप अच्छे से लिसन करो एंड प्लीज़ गो एंड वॉच वंस अ टाइम. इसमें कुछ वो एजेंडा नहीं है, कुछ भी आप जो सोच रहे हो रिलीजन वाला है एजेंडा, कुछ भी नहीं आया इस बार. एंड आई थिंक आमिर कुछ लाता भी नहीं है, इट्स अ लाइक अफवाह फैलती है, रूमर्स फैलते हैं एंड थोड़ी बहुत बातों की इंटरव्यू को बहुत बड़ा उठा देते हैं ये लोग, बट ठीक है, आप एक बार जाओ सपोर्ट करो आमिर को, देन यू कम फ्रॉम ये. मैं तो काफ़ी इमोशनल हुआ मूवी से, खास करके उसका एंडिंग. प्लीज़ गो एंड वॉच फ्रॉम माय साइड इनफाइनाइट, आउट ऑफ 5 इनफाइनाइट स्टार्स. नागा चैतन्य और करीना कपूर का काम आपको? करीना कपूर इज ऑलवेज लाइक, जैसे उसके पहले के परफॉर्मेंस है, शी इज़ अ बेबो, शी इज़ अ ऑल टाइम फेवरेट ऑफ ऑल ऑफ अस. एंड नागा चैतन्य का मैं सोचूंगा बॉलीवुड में अच्छा खासा डेब्यूट हुआ है, उसको आगे भी मूवीज़ करनी चाहिए, ऐसे सपोर्टिंग रोल में काफ़ी अच्छा सूट हो रहा है बंदा, एंड खास करके आमिर खान के साथ तो बहुत ज़्यादा सूट हो रहा है. एंड वन आई डोंट रिमेम्बर हीरोज़ नेम, एक्टर्स नेम, पृथ्वीराज आपने देखी रहेगी, उसका जो विलन है उसका भी इसमें रोल है, वो बंदे ने भी बहुत अच्छा काम किया है. सो प्लीज़ गो एंड वॉच, कास्ट बहुत अच्छी है, गाने टू द पॉइंट है एंड कुछ भी ऐसा नहीं है जो आप बॉयकॉट करना चाहो ये मूवी को. प्लीज़ सपोर्ट आमिर खान दिस टाइम, इट्स अ टोटली मास्टरपीस. आउट ऑफ 5 कितने स्टार्स? इनफाइनाइट मैम, 1 lakh, 2 lakh, हाउ मेनी आई गिव टू यू, अनलिमिटेड फ्रॉम माय साइड. थैंक यू. वेलकम. यप. लाल सिंह चड्ढा, आपने मूवी देखी, आपको कितनी पसंद आई? देखिए पसंद नापसंद ये बहुत छोटी सी बातें हैं, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करता हूँ. लाल सिंह चड्ढा इज truly a phenomenal. Aamir has always struck gold through his movies and what he's done mainly in Lal Singh Chadda, he's put all himself and he's put all of his passion towards filmmaking. I'll tell you one little thing. मैं ना 2 महीनों से पढ़ रहा हूँ कि यार बॉयकॉट किया जाए, ये छोटी छोटी बातें को ध्यान ज़्यादा नहीं. I have been working, I am a Hindu, proud of myself, proud of my country, I love India, I love you India, but I don't love you for one thing, कि धर्म मजहब मलेरिया की तरह क्यों फैल रहा है, जस्ट कीप इट लवली यू नो अराउंड यू. और देयर सेकंड थिंग व्हिच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अबाउट दिस मूवी इज दैट मैंने अब आई डोंट नो यू नो व्हाइल वाचिंग दिस वीडियो पीपल से फॉरेस्ट गम देखी भी है क्या, आई हैव डन इट 40 times, आई हैव वॉच्ड इट मोर देन 50 times. आई मीन मेरा पूरा बचपन, आई स्टिल रिमेंबर वो DVDs पे स्क्रैचेस लग जाते थे, आई हैड टू ऑर्डर अ कपल ऑफ देम बिकॉज मैं टॉम हैंक्स का दीवाना तब से ही था. But what Lal Singh Chadda has done, especially Aamir Khan, I think he simply justified his role.
नागा चैतन्य और करीना कपूर का भी आपको काम कितना पसंद आया? ना मीन नागा चैतन्य इज ही हैपेंस टू बी वन ऑफ दोस लकीएस्ट मेंबर्स हु हैज कम इन दिस ट्रूप एंड स्टार्टेड शूटिंग फॉर दिस. आई थिंक व्हाट ही इज डन, he had a very small part to play, but what he's done was really impactful. And hey, who am I to say anything about Kareena? I mean, she has enough talent, and what she's, I don't know what she said on the on one of the one of those interviews where she says aapko nahi dekhna hai to. यार सीधी बात है, talented है, और वो उस context में बोला था जहाँ पे audience उनको यू नो अटैक कर रहे थे. तो उन कॉन्टेक्स्ट में बोला था जिनको देखना है देखें, जिनको नहीं देखना है देखें. टैलेंट है, सिंपल. आउट ऑफ 5 कितने स्टार्स दोगे? आई डोंट हैव स्टार्स, दीज आर सुपरस्टार्स देमसेल्व्स. आई गिव देम ऑल माय हार्ट, फॉरगेट स्टार्स. थैंक यू, प्लेजर. मुझे बहुत पसंद आई, स्पेशली जो लव एंगल दिखाया है आमिर खान और करीना कपूर खान के रिलेटेड, तो वो लव एंगल बहुत ही छू लेता है दिल को और बहुत ही एकदम इमोशनल और रुला देता है. और स्पेशली मॉम एंड अपने बेटे का जो रिलेशनशिप बताया है उसमें, जो तरह का मम्मी का प्यार रहता है अपने अपने बच्चे के लिए, किस हद तक प्यार करती है, वो उसमें एंगल है, वो बहुत अच्छी तरह बताया है. अगर हम नागा चैतन्य और मोना की भी बात करें तो उनका भी किरदार आपको कितना? हाँ, नागा चैतन्य का एक्चुअली अगर देखे जाए रोल तो छोटा है उसमें, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर एज पर द फिल्म्स पॉइंट ऑफ व्यू इज कंसर्न. एंड मोना सिंह ने भी बहुत अच्छी एक्टिंग की है, आमिर खान की उन्होंने माँ का किरदार निभाया है. अगर म्यूजिक की अगर हम बात करें तो म्यूजिक आपको कितना पसंद है? म्यूजिक अगर देखे जाए तो इस अगर देखे जाए तो उसमें गाने इतने कुछ इंटरेस्टिंग नहीं है, पर जो टाइम पे उनका आता है ना, जो टाइम पे गाने आते हैं, फॉर द टाइम बिंग इट इज़ गुड, बट कोई ऐसे अच्छे मतलब मेमोरेबल टाइप के गाने नहीं है. तो 4 out of 5 ओवरऑल इट्स अ गुड मूवी, इट्स अ वन टाइम गुड वॉच विद द फैमिली. या थैंक्स. आपने लाल सिंह चड्ढा मूवी देखी, आपको कितनी पसंद आई? मुझे अच्छी लगी, आमिर खान की वजह से देख सकते हैं क्योंकि उनको बहुत टाइम के बाद हमने देखा, तो ही इज़ द मेन प्रोटैगनिस्ट और उनकी पूरी स्टोरी दिखाई है. एंड इट्स द एडेप्टेशन ऑफ अ ऑस्कर विनिंग मूवी फॉरेस्ट गंप. तो आमिर खान जी को इतने टाइम के बाद देख के अच्छा लगा, लेकिन मुझे लगता थोड़ी 20-25 मिनट एडिट कर सकते थे. और सेकेंड हाफ में कुछ पोर्शंस बहुत स्लो पेस्ड हैं, तो इंडियन ऑडियंस में शायद इतनी पेशेंस ना हो, बट ओवरऑल द मूवी इज़ गुड. नागा चैतन्य, करीना कपूर एज वेल एज मोना, इनका भी किरदार आपको कितना पसंद? मोना सिंह का किरदार बहुत अच्छा, बहुत कन्विंसिंग नहीं निभाया क्योंकि एक एजेड लेडी का किरदार था, तो बहुत अच्छा लगा डिफरेंट फेजेस में. और करीना कपूर खान का भी रोल अच्छा है, लेकिन कुछ सीन्स में वो एक्सप्रेस उतनी अच्छे से नहीं कर पाए, कंटिन्यूटी नहीं मेंटेन कर पाए, तो जैसे लव सीन्स वगैरह में जैसे हमने एक्सपेक्ट किया था, बट शी इज़ गुड. नागा चैतन्य का भी ठीक ठाक रोल है, मतलब उनका जितना मैंने अच्छा एक्सपेक्ट किया था, छोटा रोल था उनका. अद्वैत जो चंदन इनके डायरेक्टर, उनको यही बोला कि थोड़ा एडिटिंग के ऊपर ध्यान दिए, जो हेमंती सरकार इसके एडिटर है उनको यही बोलना चाहूँगा कि 20-25 मिनट क्रॉप कर सकते थे ये मूवी. सिनेमेटोग्राफी अच्छी है सत्यजीत पांडे की, डायरेक्शन भी ठीक है, म्यूज़िक एक दो गाने बहुत अच्छे हैं जैसे आज की रात नहीं आए फिर नहीं आएगी, या एक कहानी और एक दो और सॉन्ग्स चन्ना अरिजीत सिंह ने गाए हैं गाने, तो अच्छे हैं. म्यूज़िक इज़ गुड, मीनिंगफुल है, और काफ़ी कुछ दिखाने की कोशिश की गई है, तो 2 hours 45 minutes की जगह अगर 2 hours 15 minutes की होती तो अच्छा था, बहुत स्ट्रेच की आई पी. I will still give 3.5. I think because of Aamir Khan, because उन्होंने अपना बहुत ही रोल बहुत अच्छे से निभाया है, और बाकी मोना सिंह का भी रोल अच्छा है, तो ओवरऑल 3.5. Thank you. सर, आपने लाल सिंह चड्ढा मूवी देखी, आपको कितनी पसंद आई? बिल्कुल पसंद नहीं आई, एकदम बकवास, बोरिंग, ऐसा वेस्ट मूवी है, ऐसा देख लग रहा है कि डॉक्यूमेंट्री फिल्म देख रहे हैं, और पिक्चर बहुत लंबी है 3 घंटे की, इसमें कोई एंटरटेनमेंट नहीं है, म्यूजिक और डायरेक्शन एकदम जीरो है. अगर आमिर खान की और नागा चैतन्य और करीना कपूर की बात की जाए तो इनका किरदार आपको कितना पसंद आया? खाली वो जो मानव बना हुआ है नागा, उसका रोल थोड़ा सा अच्छा लगा, बाकी दोनों आमिर खान तो ओवर एक्टिंग है ऐसा, क्योंकि उसने पहले भी पीके वगैरह में काम किया, सेम टाइप का रोल नहीं चलता ऐसा है. म्यूजिक खाली एक या दो गाने हैं और कुछ भी नहीं है सर. ओवरऑल आप पूरी मूवी को कितने स्टार्स देंगे आउट ऑफ 5? 0. थैंक यू.
मुझे बहुत पसंद आई, काफ़ी टाइम बाद एक फ्रेश मूवी देखी है आपने, और आई थिंक मुझे लगता है जो बॉलीवुड का एक डल फेस चल रहा था वो इससे ज़रूर दूर होने वाला है मुझे ऐसा लगता है। और भी कई किरदार हैं जैसे नागा चैतन्या है, करीना कपूर है और मोना भी है, तो इन सभी का किरदार आपको कितना पसंद आया? बहुत अच्छा है, आई थिंक जिस तरीके से सारे आर्टिस्ट ने कैरेक्टर प्ले किया है आई थिंक बहुत ज़्यादा अच्छे से, और आमिर सर हो गए या करीना मैम हो गई, आई थिंक इन लोगों ये तो मतलब लेजेंड्स है यार, मुझे ऐसा लगता है। मैं लाइक आमिर सर इज़ माई फेवरेट एक्टर एंड उनको मैं काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहा हूँ, और जिस तरीके से वो कैरेक्टर प्ले करते हैं, टाइम लेते हैं, ऐसा नहीं कि 30 दिन में मूवी कंप्लीट कर देते हैं, यू नो ही टेक टाइम राइट, 1 ईयर 2 ईयर, तो आई थिंक वो दिखता है स्क्रीन प्ले, तो काफ़ी अच्छे से उन्होंने प्ले किया, सब ने बहुत अच्छे से प्ले किया। बिल्कुल म्यूज़िक तो काफ़ी अच्छा है, आपको यू नो धुंधड़ाका नहीं है लेकिन स्मूथ है एकदम, आप फ्लो में जाते हो मूवी में, तो म्यूज़िक का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और ये काफ़ी अच्छा था। डायरेक्शन वाइज मुझे काफ़ी अच्छा लगा, अद्वैत चंदन का डायरेक्शन काफ़ी अच्छा है और आई थिंक मुझे लगता है उनका फ्यूचर काफ़ी ब्राइट है, आई थिंक उन्होंने बहुत अच्छी मूवी बनाई है और काफ़ी अच्छी मूवी है। आउट ऑफ 5 मैं 4.5 दूंगा, आई थिंक मुझे लगता है सबको ये मूवी देखनी चाहिए, और जो बॉयकॉट हो रहा है आई थिंक देर इज़ नो रीज़न बिहाइंड दिस, काफ़ी अच्छी मूवी है और सबको ये मूवी देखनी चाहिए। आपने लाल सिंह चड्ढा मूवी देखी, आपको कितनी पसंद आई? ऑनेस्टली काफ़ी डिसअपॉइंटेड हूँ और जितना मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, क्योंकि मैंने फॉरेस्ट गम देखी हुई है और उस फिल्म ने मुझे काफ़ी टच किया था और ये उसका ऑफिशियल अडेप्टेशन है, तो मैं बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन के साथ आया था, अनफॉर्चुनेटली बिल्कुल खरी नहीं उतरी है मेरे एक्सपेक्टेशन पे, काफ़ी मोमेंट्स पे बहुत ड्रैग लगी, आमिर खान का जो डायलॉग्स हैं, जो एक्सप्रेशंस हैं, जो उनकी अदाकारी है, वो एक फोर्स क्यूटनेस, फोर्स सादापन जिसे कहते हैं, वैसा फील हुआ। कुछ कुछ सीन्स लगा कि और छोटे हो सकते थे, ओवरऑल फिल्म जो है लगा कि करीब से कम 20 मिनट छोटी हो सकती थी, तो मज़ा नहीं आया है लाल सिंह चड्ढा में। और भी इसमें कई किरदार थे जैसे नागा चैतन्या, करीना कपूर और मोना भी थी, तो इन सभी का किरदार आपको कितना पसंद आया? सभी ने देखिए अपना काम बहुत अच्छे से किया है और किसी के काम के लिए कोई कंप्लेंट नहीं है, इनफैक्ट सबसे अच्छा काम मुझे लगता है मानव विज ने भी किया है, उनका कैरेक्टर जो है, उनकी आँखें जो हैं, डायलॉग डिलीवरी जो है, छोटा सा रोल है बट वो अपनी छाप छोड़ जाते हैं मानव विज, मैंने देखा है हर फिल्म में अच्छा काम किया है, सभी लोगों ने बहुत अच्छा काम किया, आमिर खान ने भी अच्छा काम किया है, पर यहाँ पर मुझे निराशा इस बात से है कि अब ना उनको इस टाइप के रोल्स में इस टाइप के एक्सप्रेशन डायलॉग्स देते हुए हम देख चुके हैं, तो कुछ नयापन मुझे वो नहीं लगा, मैं बहुत बार फिल्म देखते देखते वो धूम के आमिर खान के मोड में चला जाता था और थोड़ा बहुत हल्का सा पीके में। म्यूज़िक बहुत अच्छा है, बैकग्राउंड स्कोर जो है तनुज टिकू जी का बहुत ज़्यादा प्यारा है और जो काफ़ी मोमेंट्स पे जो फिल्म को ऊपर उठाती है उसमें म्यूज़िक का बहुत अच्छा रोल है। गाने जो हैं अपार्ट फ्रॉम जो टाइटल ट्रैक है उसके अलावा मुझे कोई ऐसा याद है नहीं, सिर्फ एक गाने के शुरुआत के कुछ लाइन्स अच्छे थे जब आमिर खान और करीना कपूर कुछ समय के लिए दिल्ली में मिलते हैं, वो गाना अच्छा था, बट टाइटल ट्रैक जो है वो काफ़ी अच्छा है, उसे मैं वापस जाके सुनना चाहूँगा, पर उसके अलावा मुझे कोई गाने ऐसे याद नहीं है। Strictly 2 stars. Thank you. लाल सिंह चड्ढा आपने ये मूवी देखी है, आपको कितनी पसंद आई? फिल्म बहुत मस्त थी, जैसे ट्रेलर ने काफ़ी लोगों को इनफैक्ट मुझे भी डिसअपॉइंट किया था, वो हिसाब से तो फिल्म बहुत अच्छी थी, मतलब कुछ भी डिसअपॉइंटमेंट नहीं मिला फिल्म में। सेकंड हाफ थोड़ा स्ट्रेची था बट अफेक्ट नहीं हुआ फिल्म को, फिल्म अपनी जगह पे बेस्ट थी, अद्वैत चंदन ने बहुत अच्छा डायरेक्शन दिया फिल्म को। इस मूवी में और भी काफ़ी किरदार हैं जैसे नागा चैतन्या, करीना कपूर और मोना का भी किरदार है, कितना इन सभी का किरदार आपको पसंद आया? नाग चैतन्या का काम तो ब्रिलियंट था, ब्रिलियंट। मोना सिंह ने भी एज अमीर्स मदर बहुत बहुत अच्छा काम किया, एंड कैटरीना को थोड़ा वैसे दिखाया है, मतलब करीना को थोड़ा ऐसे दिखाया है कि कभी वो लाल फिर चली जाती है, फिर आती है, चली जाती है, आती चली जाती है, उसने भी अपने रोल को एक्सेल कर दिया है। फिल्म का म्यूज़िक बहुत अच्छा है बट तुर्कलियाँ एक तरफ, बाकी चारों गाने एक तरफ, तुर्कलियाँ वो गाने के जो विजुअल्स थे, और फिल्म में रिलीजन्स को भी बहुत अच्छा दिखाया है, मतलब एक सीन था जब आमिर खान पगड़ी पहन रहा होता है
तो उसमें पीछे एकोनकार सतनाम का पूरा बैकग्राउंड प्ले किया एंड दिखाते हैं प्रॉपरली कैसे एस्थेटिकली वो पगड़ी पहनते हैं, वो भी सीन काफ़ी अच्छा था। और तुर्कलियाँ गाने में ओम वगैरह के लोगोज दिखाए हैं कि ऐसा बने हुए हैं और वो वहाँ से भागते हुए जा रहे हैं, वो भी सीन बहुत बहुत बढ़िया था। फिल्म में ये मैसेज दिया है कि अगर एक एबनॉर्मल मैन, अभी लाल सिंह चड्ढा के कैरेक्टर को एबनॉर्मल दिखाया है, वो कहाँ से कहाँ पहुँच सकता है, तो वो नॉर्मल आदमी को, नॉर्मल इंसान को कितना मोटिवेट कर सकता है कैसी हाइट रीच करने के लिए। 4.5। थैंक यू, वेलकम।